पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आज सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की खबर से अस्पताल में मची अफरा तफरी में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ कर्मचारी घायल हैं। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले अस्पताल के पुरुष सर्जिकल वार्ड में देखी गई, जो दूसरी मंजिल पर है। इसके फौरन बाद यह आग नवजात शिशु वार्ड के ICU और ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। लेकिन आग से उठे धुएं की वजह से अस्पताल में कई नवजात बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। हालांकि आग लगने के फौरन बाद नवजात शिशुओं को अस्पताल के कर्मचारियों और उनके परिजन उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले गए। धुएं की वजह से जिन बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल प्रशासन उनके इलाज में जुट गया है। अस्पताल में लगी आग की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, जो एयर कंडीशनर के जरिए पुरुष वार्ड तक जा पहुंची। देखते रहिए डीबी लाइव।